स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को मजगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड यानी कि मजडोक के शेयर के साथ में। कंपनी की बात करें, आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट जो है कंपनी के शेयर में देखने को मिली है। गिरावट के परसेंट को अगर नोट करें तो 6.51% की गिरावट है। 1221 रुपये का करंट मार्केट प्राइस हमें जो है कंपनी का देखने को मिलता है। अब ये जो गिरावट है दोस्तों, ये अचानक स्टार्ट होती है लगभग 2 बजे के बाद जो है शेयर में गिरावट जो है नोट की जाती है आज के दिन। उससे पहले जो है शेयर लगभग लगभग 1300 रुपये के प्राइस पर जो है मूव कर रहा था। अब यहाँ पे ये जो गिरावट है, उस गिरावट के पीछे का कोई खास रीजन नहीं है, बल्कि जो रिसेंट रैली शेयर में देखने को मिली थी, जैसे अगर हम 5 दिन में देखें तो 5 दिन में 17% की रैली है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 65% की रैली कंपनी में जो है हमें देखने को मिली है। तो उस रैली के बाद जो है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होती है किसी भी कंपनी में। कोई भी शेयर आप उठा के देख लीजिए, जब कोई शेयर कंटिन्यूसली काफ़ी ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है ज़रूर होती है, क्योंकि ये एक कंपलसरी पार्ट है स्टॉक मार्केट का। प्रॉफिट बुकिंग जो है ज़रूर आती है किसी भी स्टॉक में, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। आज के दिन जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और लोगों ने जो है अपना जो यहाँ पे जिन लोगों ने पैसा लगाया होगा एक महीने पहले, या जिन्होंने पहले से लगा रखा होगा, जिनके जो है टारगेट आ गए होंगे, तो यहाँ पे क्या है, उन लोगों ने अपना जो है पार्ट प्रॉफिट या फुल प्रॉफिट जो है बुक कर लिया है, और उसी वजह से जो है सेलिंग देखने को मिली कंपनी में, और जो है आज के दिन गिरावट जो है शेयर में देखने को मिली है। कंपनी दोस्तों समरीन आदि बनाती है, यानी कि जो शिप्स होते हैं इंडियन नेवी के, डिफेंस सेगमेंट से कंपनी रिलेट करती है। और अभी जो है कंपनी समरीन बनाने के काफ़ी सारे ऑर्डर हैं कंपनी के पास, तो जो है उस वजह से यहाँ पे कंपनी आगे जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑर्डर बुक जो है कंपनी की शानदार है और आगे भी जो है बढ़ती जाएगी, उस तरह का जो है अनुमान है। तो पेशेंस रख के जो है कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले चाहे तो पार्ट प्रॉफिट बुक करके भी चल सकते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप जो है हमें देखने को नहीं मिलता है, 24,000 करोड़ के समथिंग जो है मार्केट कैप है, और इतना भागने के बाद भी कंपनी की जो वैल्यूएशन है 22.02 के आसपास है। ये वैल्यूएशन और कम थी, 19 के अराउंड जो है हमें देखने को मिल रही थी, जब कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 750 रुपये के अराउंड जो है अवेलेबल हमें देखने को मिल रहा था। अब इसकी जो राइट वैल्यूएशन है कंपनी की, ये शेयर क्या है, एक अंडर वैल्यूड शेयर है। राइट वैल्यूएशन जो इस शेयर की होनी चाहिए वो 2,000 रुपये जो है होनी चाहिए अभी के स्टेट्स के हिसाब से। अब देखते हैं अंडर वैल्यूड है, वहाँ तक जो है पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता, यानी कि अपनी राइट वैल्यू पे जो है कब तक जाता है, वो चीज़ देखने वाली इसमें होगी। कंपनी कमाल की है, होल्ड करके जो है लॉन्ग टर्म में भी इसको चला जा सकता है, जब तक ऑर्डर बुक शानदार है। अगले 1 साल तक कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बढ़िया है, तो 1 साल तक होल्ड करके चल सकते हैं। रिसेंट नंबर्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगभग 49% के अराउंड ग्रो हुआ है, साथ ही जो नेट इनकम है वो 105% के अराउंड जो है ग्रो हुई है। उसके अलावा जो कंपनी का मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी इम्प्रूव हुआ है 37.5% के अराउंड। एनुअल बेसिस पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है इनकम कंपनी की इंक्रीज होती है 2019 से 2020 में, वापस से इनकम जो है डिप हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो है अच्छा एक मूव जो है हमें पिछले 3 सालों में इनकम का देखने को मिलता है, और इनकम जो है हमें एक ग्रोथ के साथ कंपनी की बढ़ती हुई देखने को मिली है। इनकम के अलावा जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, पिछले 3 सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला है, ग्रोथ के साथ जो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अच्छी कंपनियों की यही पहचान होती है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है या जो आपके नंबर्स हैं, जो आपके फाइनेंशियल्स हैं, वो जो है इम्प्रूव होते हुए आपको जो है साल दर साल देखने को मिले। कोई साल आपका खराब जा सकता है, लेकिन जो है वापस से अगले साल फिर से कंपनी आपकी जो है वापस ट्रैक पे आ जाए, उस तरह की कंपनी जो है दोस्तों बढ़िया होती है, निवेश करने के लिए काफ़ी कमाल की होती है। आपके अगर पोर्टफोलियो में कंपनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यह कैंडलिस्टिक पैटर्न में कंपनी का चार्ट, अब रिसेंटली क्या है, कंपनी एक काफ़ी अच्छे से जो है हमें चलती हुई नज़र आ रही थी, और ये कंपनी जो है 200 रुपये से पहुंच गई थी 900 रुपये तक, 940 रुपये तक, वहाँ से जो है इसमें गिरावट होती है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न थे, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी से भरा हुआ पिछला कुछ समय रहा है। उस बीच जो है 600 रुपये का अपना लो लगाने के बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे बाउंस बैक किया है। अब ये जो कंपनी का हाई है जो कि 1375 रुपये के अराउंड है, इसके ऊपर अगर कंपनी जाती है किसी वजह से तो कंपनी और भी आगे जाने के चांसेस है, लेकिन किसी वजह से कंपनी यहाँ से गिरती है। अब ये जो कैंडल बन रही है, मैंने कल भी एक चार्ट को डिस्कस करते हुए बताया था, इसको आप शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल जो है
मान के जो है चल सकते हैं। अब ये जो कैंडल होती है, अगर अभी ये जैसे वीकली चार्ट है तो अभी ये कैंडल फिनिश नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो है 3 दिन जो है अभी हुए हैं। अगले 2 दिन के बाद जो है ये किस तरह की कैंडल बनती है वो चीज़ जो है देखने वाली ज़रूर होगी। तो अगर ये कैंडल इसी तरह की रह जाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन उस तरह का हो सकता है कि यहाँ से जो है शेयर का प्राइस जो है हमें थोड़ा नीचे आता हुआ और देखने को मिल सकता है, और प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग जो है हमें कंपनी के शेयर में देखने को मिल सकती है। तो सिंपली शॉर्ट टर्म वाले चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म वाले हैं या जिनके टारगेट हैं, जैसा मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं, कोई टिप नहीं है, कोई वो नहीं है, मेरा जो इस कंपनी में टारगेट है वो मेरा जो है इसकी जो करेक्ट वैल्यूएशन है 2000 रुपये की, इसकी करेक्ट वैल्यूएशन है और 2000 रुपये का ही मेरा इसमें टारगेट है। तो मैं वहाँ तक जो है कंपनी को होल्ड करने वाला हूँ, चाहे जो है उसमें ये 6 महीने वो जो है, चाहे उसको फिर 6 साल लगे जाने में, मैं जो है यहाँ तक के टारगेट को होल्ड करने वाला हूँ। हालाँकि मेरी इसमें जो है स्टॉप लॉस भी कंपनीज में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये शेयर यहाँ पे आता है, ये जो इसकी सेकंड कैंडल है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो इसकी सेकंड कैंडल है ये जो है मेरी स्टॉप लॉस है। ये जो सेकंड कैंडल का लो है ये मेरी स्टॉप लॉस है, जो कि 1000 रुपये के अराउंड है। तो यहाँ पे अगर ये शेयर आता है तो मैं जो है सिंपली एग्जिट करूँगा, और फिर से जो है कंपनी जब जो है नीचे जाके वापस से ऊपर के मोड में होगी तो फिर से जो है मैं यहाँ पे एंटर अपना करूँगा। इसके बाद जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। अब पॉलीकैब की बात करें तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस पिछले काफ़ी समय से कंपनी की देखने को मिली है। आज के दिन वैसे बड़ी गिरावट हमें जो है शेयर में देखने को मिली है, 2.5% की गिरावट है, 88 रुपये के अराउंड की गिरावट है। अब जब इसका आप 1 साल का चार्ट देखेंगे तो 1 साल में आपको पता चलेगा कि एक कॉन्स्टेंट ग्रोथ के साथ कंपनी जो है आगे बढ़ती हुई नज़र आई है। 2000 रुपये के प्राइस से जो है शेयर अभी के समय में जो है 3500 रुपये और उसके ऊपर भी जो है शेयर गया है। अब ये कंपनी बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही है जो है इन्वेस्टमेंट करने का, यानी कि जो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं उनकी स्ट्रेटजी होती है बाई ऑन डिप, ठीक है ना। तो बाई ऑन डिप का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही है। मौका इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पे डिस्काउंट कंपनी में देखने को मिल ही नहीं रहा है। अब आज के दिन जो है 2.5% की गिरावट है, ऐसे में सवाल ये बनता है कि कंपनी में जो है क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि आगे भी हो सकता है गिरावट देखने को मिले, ऐसा सवाल होगा काफ़ी लोगों के मन में। उसके अलावा जो है एक सवाल ये भी होगा कि कंपनी जो है हो सकता है कि यहाँ से जो है आगे ऊपर निकल जाए, जो इसका हाई है उसको तोड़ के और भी ऊपर निकल जाए, तो क्या यहाँ पे जो है बाइंग करना, जो छोटा मोटा इसमें अभी 2.5% की गिरावट है उस गिरावट में ही जो है इसको बाई कर लेना चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी ऊपर के लेवल पर कंपनी अभी ट्रेड कर रही है, 3600 रुपये तक कंपनी गई है, मात्र 150 रुपये का डिस्काउंट इस कंपनी में जो है अवेलेबल है। अब ऐसे में करना ये चाहिए आपको, अगर आप कंपनी में शेयर होल्डर हैं तो आप जो है वेट कर सकते हैं और होल्ड करके जो है कंपनी को चल सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो आपको जो है होल्ड करना ही करना है। लेकिन किसी वजह से आपने शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी को बाई किया है तो चाहे तो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करके भी चल सकते हैं, या फिर वेट एंड वॉच भी कंपनी में कर सकते हैं। कंपनी कमाल की है, रिटर्न कंपनी ने अच्छे खासे कमा के दिए हैं। मात्र 4 साल में कंपनी ने जो है अपने निवेशकों का पैसा 5 गुना तक बना के दिया है, और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ कंपनी जो है आगे बढ़ती हुई नज़र हमें आ रही है और आगे भी जो है आएगी, ऐसी जो है उम्मीदें सभी की, हमारी आपकी सभी की हैं। कंपनी के रिसेंट फाइनेंशियल्स पर अगर नज़र डालें, यानी कि Q4 के नंबर्स की बात करें, तो जो कंपनी का रिवेन्यू था वो बढ़ा था 9% के हिसाब से, नेट इनकम बढ़ी थी 32% के हिसाब से। उसके अलावा जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ा था 142% के हिसाब से, साथ ही जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 21% के हिसाब से जो है इम्प्रूव होता हुआ देखने को हमें मिला था। अब इस कंपनी के एनुअल नंबर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली आपको एक चीज़, एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि पैटर्न आपको ग्रोथ कंपनी में हमेशा देखने को मिलेगा कि साल दर साल कंपनी के जो नंबर्स हैं वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे। अब ये तो कंपनी का रिवेन्यू है जो नीले कलर में इंडिकेट हुआ है, उसके अलावा अगर आप नेट प्रॉफिट को भी देखें तो सिंपली पता चल रहा है कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी साल दर साल जो है बढ़ता चला गया है। और सेम चीज़ जो है हमें कंपनी के चार्ट पे भी देखने को मिल रही है, कंपनी का चार्ट भी उसी तरह से, जिस तरह से नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसी तरह से कंपनी का शेयर प्राइस भी जो है बढ़ रहा है। तो आप भी कंपनी को जो है होल्ड करके यहाँ पे चल सकते हैं। अब ये है कंपनी का चार्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक जो है बड़ी रेड कैंडल वीकली चार्ट पैटर्न में यहाँ पे फॉर्म होती हुई देखने को
मिल रही है। किसी वजह से ये शेयर का प्राइस जो है 3300 रुपये के नीचे आता है, यानी कि 3300 रुपये से नीचे जाता है। तो चाहे तो शॉर्ट टर्म वाले जिन्होंने जो है यहाँ के लेवल पे अगर बाइंग की हुई है तो चाहे तो अपना जो है प्रॉफिट बुक करके भी चल सकते हैं, करंट लेवल पे भी चाहे तो बुकिंग करके चल सकते हैं। क्योंकि ये जो दो कैंडल बन गई हैं ऊपर, ये जो दो कैंडल बन गई हैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं एक रिवर्सल के लिए। चाहे वो रिवर्सल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बड़ा तो नहीं होना चाहिए, छोटा ही रिवर्सल होगा, लेकिन रिवर्सल दोस्तों ज़रूर होगा। रिवर्सल जो है स्टार्ट भी कहीं ना कहीं हो चुका है। कितनी ही बढ़िया कंपनी क्यों ना हो, रिवर्सल होता ही होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो एक कैंडल बन रही है, यानी कि इसकी जो पूंछ है ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ी है और इसकी बॉडी जो है काफ़ी छोटी है। इसको जैसा मैंने बताया, इसको जो है इन्वर्टेड हैमर या फिर इसको जो है शूटिंग स्टार भी जो है बोलते हैं। तो ये क्या है, ये कंपनी ये जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है उसमें जो इंडिकेट करती है कि शेयर का प्राइस जो है नीचे जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो लेवल है, ये लेवल है 2700 रुपये का के अराउंड का, ठीक है। इस कैंडल के फिनिश होने के बाद अगला जो लेवल आया, यानी कि 2500 रुपये तक, 200 रुपये तक तो जो है शेयर का प्राइस जो है अपना गिरी गया था। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी जो पैटर्न बन रहा था वो भी ये इंडिकेट कर रहा था कि शेयर का प्राइस कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाएगा। ऐसी सिचुएशन जो है अभी इस कंपनी में जो है बन रही है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो है रिवर्सल, अब चाहे वो यहाँ से आके शेयर का प्राइस ऊपर चला जाए या फिर यहाँ से और नीचे चला जाए, इस बारे में जो है दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो सिंपली जो है एंटीसिपेशन का खेल है, संभावनाओं का खेल है शेयर मार्केट में। तो आप भी जो है संभावनाओं के साथ चलें, अपनी तरफ से कोई एग्रेसिव स्टेप ना उठाएं, वेट एंड वॉच करें, होल्ड करके कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म वाले चाहे तो, अगर आपको मौका मिले, क्योंकि मौका काफ़ी समय से नहीं मिल रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, तो चाहे तो जो है कुछ क्वांटिटी जो है ऐड करके भी चल सकते हैं। अगर किसी वजह से 3000 रुपये के लेवल पे आता है, काफ़ी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 3000 रुपये तक आना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आता है तो ज़रूर ऐड करके जो है चल सकते हैं। आगे जो हमारी कंपनी है, यानी कि इस वीडियो में लास्ट कंपनी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नौकरी, यानी कि इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। 4475 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। 19 रुपये 30 पैसे की तेज़ी के साथ शेयर ने आज के दिन मार्केट में क्लोजिंग दी है। अब ये कंपनी ऐसी है जो कि अपने रेसिस्टेंट के पास में ट्रेड कर रही है, क्योंकि ये जो इसका रेसिस्टेंट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 साल के कैंडलस्टिक पैटर्न में। ये कंपनी जो है 4500 रुपये के रेसिस्टेंट के आसपास जो है ट्रेड कर रही है। रेसिस्टेंट के पास से हमने कई बार देखा है कि कई बार जो है रिजेक्शन मिल जाता है, जिसके कि चांसेस 70% होते हैं रिजेक्शन मिलने के और 30% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट मिलने के, यानी कि रिवर्सल के चांसेस, रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं किसी भी उस पे क्या बोलते हैं, किसी भी रेजिस्टेंट पे। तो जब कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस जो है रेजिस्टेंट पे आता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस कंपनी पे जो है एक पैनी नज़र बना के रखने, क्योंकि एकदम से जो है हमें एक बड़ा रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है और 100 रुपये 200 रुपये भी हमें जो है शेयर गिरता हुआ एक बार में देखने को मिल सकता है। कंपनी की बात करें, कंपनी तो ये कमाल की है ही, 57,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है, पी रेशियो दिया नहीं गया है कंपनी का। उसके अलावा फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो रिवेन्यू है वो रिवेन्यू यहाँ पे बढ़ा था 26% के अराउंड। उसके अलावा जो सबसे गंदी चीज़ देखने मिली कि जो कंपनी का की जो नेट इनकम थी, वो कंपनी ने नेट इनकम नहीं, यहाँ पे नेट लॉस जो है कमा के दी है, यानी कि 272 करोड़ का लॉस किया है कंपनी ने Q4 में, जो कि 142% का डिक्लाइन है Y-on-Y बेसिस पे। उसके अलावा जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर भी -21 रुपये 15 पैसे के अराउंड हमें देखने को मिला है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी जो है माइनस में 45% देखने को मिला है। 133% की गिरावट इसमें भी देखने को हमें मिली है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल देखिए, ये सालाना कंपनी के फाइनेंशियल हैं। अब यहाँ पे जो है आपको देखने मिलेगा काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव इस कंपनी के फाइनेंशियल में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2019 में ठीक ठाक हिसाब था, उसके अलावा 2020 में जो है कंपनी की इनकम बढ़ी, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो नेट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे 2021 में जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी के रिवेन्यू से भी ऊपर चला जाता है। अब ये चीज़ देखने वाली होगी कि इतना जो है कैसे कंपनी को, मतलब रिवेन्यू से ज़्यादा नेट प्रॉफिट जो है कंपनी को कैसे मिल जाता है, उसकी जो है देखना पड़ेगा मुझे भी। आप भी चाहे तो देख सकते हैं कि क्या चीज़ इनके नेट प्रॉफिट में ऐड होती है जिस वजह से जो है इनका नेट प्रॉफिट जो है इतना बढ़ जाता है। अब 2022 में तो देख लीजिए, मतलब
इनकम कितनी है और प्रॉफिट कितना है यहाँ पे। इनकम तो मात्र मेरे ख्याल से 10 बिलियन या फिर 20 बिलियन के अराउंड है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट 100 बिलियन के अराउंड है। अब समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से ये चीज़ देखना होगा कि ऐसा क्यों है। उसके अलावा अब अगर आप 2023 में देखें तो ये एक मेन चीज़ है, यहाँ पे कंपनी ने रिवेन्यू तो ठीक ठाक प्राप्त किया है लगभग 25 बिलियन के अराउंड, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने जो है नेट लॉस 2023 में बुक करी है। अगर इन नंबर्स को देखें, इन फाइनेंशियल्स को देखें, तो सिंपली मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी जैसे रेसिस्टेंट पे शेयर ट्रेड कर रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करके जो है चाहे तो चल सकते हैं। अब यह है कंपनी का कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट। अब जैसा मैंने पहले बताया, बिल्कुल रेसिस्टेंट के आसपास जो है कंपनी अभी के समय में ट्रेड कर रही है। ये इसका एक रेसिस्टेंट लेवल है जो कि 4500 से 4600 रुपये के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी ने क्या किया है ये तो सबको दिख रहा है, क्योंकि हमने फाइनेंशियल देखे कि 2022 में कंपनी ने मतलब 100 बिलियन का जो है नेट इनकम प्राप्त करी है, नेट प्रॉफिट प्राप्त करा है। हालांकि उसमें जो कंपनी का रिवेन्यू था वो मात्र जो है 20 बिलियन के अराउंड का था। अब जो भी रीजन हो, कंपनी ने 100 बिलियन की जो है इनकम नेट इनकम प्राप्त करी थी, उस वजह से जो है शेयर का प्राइस भी काफ़ी ऊपर जा रहा था। और जैसे ही कंपनी के फाइनेंशियल बिगड़ने लगे, वैसे ही जो है शेयर का प्राइस जो है हमें ऊपर नीचे जो है यानी कि नीचे आता हुआ देखने को दोस्तों मिल गया। तो यही इफेक्ट पड़ता है कंपनी के अच्छे नंबर्स का और बुरे नंबर्स का। तो इस बार नंबर अच्छे नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि 4500 रुपये 4800 रुपये के ऊपर जो है कंपनी का शेयर प्राइस अभी के टाइम में जो है जाना चाहिए। तो चाहे तो शॉर्ट टर्म वाले अपने पार्ट प्रॉफिट की बुकिंग करके भी चल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म वाले भी चाहे तो कुछ क्वांटिटी अपनी बुक करके चल सकते हैं। वापस से जब नीचे अगर शेयर प्राइस जाता है तो फिर से जो है यहाँ पे ऐड करके कंपनी में आगे चल सकते हैं।